अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का पैगाम है सुस्ती नहीं करनी। क्या पैगाम है बच्चों? सुस्ती नहीं करनी। क्लास नर्सरी जूनियर, मज़मून उर्दू, सफ़ा नंबर 47, अनवान हरूफ रे ले जे और अजे की दोहराई, हरूफ रे ले जे और अजे के गिर्द दायरा लगाना, हरूफ रे ले जे और अजे को उनकी तस्वीरों के साथ मिलाना। तो सबसे पहले हम बच्चों हरूफ रे अड़े जे और अजे की दोहराई करते हैं। ये कौन सा हर्फ है? रे। ये कौन सा हर्फ है? रे। कौन सा हर्फ है? रे। बच्चों रे खाली होती है, इसके ऊपर ना तोए हैं ना नुक्ते हैं, ये ना ही एक नुक्ता है, ठीक है? ये खाली है इसलिए इसको रे पढ़ते हैं। ये पीछे हम सारे हरूफ पढ़ चुके हैं, ठीक है? आगे है हमारे पास ले, तो इसके ऊपर छोटी तोए होती है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ले। क्या पढ़ते हैं? ले। क्या पढ़ते हैं? ले। ये कौन सा हर्फ है? जे। कौन सा हर्फ है? जे। कौन सा हर्फ है बच्चों? जे। इसके ऊपर एक नुक्ता है इसलिए इसको जे पढ़ते हैं। ये हमारे पास कौन सा हर्फ है बच्चों? अजे। कौन सा हर्फ है? अजे। कौन सा हर्फ है बच्चों? अजे। इसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं इसलिए हम इसको अजे पढ़ते हैं। ये सारे हरूफ जो हैं हमारे पास, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये इनकी आज हमने दोहराई की है। अब हम देखते हैं हमारे पास ये रे है और इस लाइन में मौजूद हमने रे को ढूंढना है और उसके गिर्द दायरा लगाना है। ये कौन सा हर्फ है बच्चों? अजे। इसके ऊपर हमने दायरा नहीं लगाना, हमने तो रे के ऊपर दायरा लगाना है, ठीक है? ये कौन सा हर्फ है? रे। जी हाँ, इसके गिर्द हमने दायरा लगाना है, ठीक है? ऐसे। ये कौन सा हर्फ है? अड़े। ये कौन सा हर्फ है? जे। तो बच्चों हमने रे के गिर्द दायरा लगाना था तो हमने लगा लिया। अब हमने ये कौन सा हर्फ है? रे। तो हमने रे को इस लाइन में ढूंढना है और उसके गिर्द दायरा लगाना है। बच्चों ये रे है? नो। शाबाश, ये जे है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर नुक्ता है क्योंकि हमने तो रे ढूंढनी है जिसके ऊपर छोटी तोए हों, उसको हमने उसके गिर्द दायरा लगाना है। ये कौन सा हर्फ है? जे। इसके गिर्द हमने दायरा नहीं लगाना, ये बिल्कुल ठीक। ये हमारे पास रे है, इसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। अब हमने ये देखना है ये कौन सा हर्फ है? रे। ये कौन सा हर्फ है? अजे। ठीक है, हमने तो रे को ढूंढ के इसके गिर्द दायरा लगाया है। अब हमने कौन सा हर्फ ढूंढना है? जे, जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है। हमने जे को ढूंढना है और इस लाइन में देखना है हमारे पास जे किधर है। ये है? नो, ये तो रे है। ये है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। इसके ऊपर एक नुक्ता है, इसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। शाबाश, ये रे है और ये अजे है। तो बच्चों हमने तो जे और इस लाइन में मौजूद जे को ढूंढ के उसके गिर्द दायरा लगाया है। अब हमारे पास है अजे। अब हमने इस लाइन में अजे को ढूंढना है और उसके गिर्द दायरा लगाना है। ये अजे है, ठीक है? अब ये देखें, रे है, इसके गिर्द दायरा नहीं लगाना। ये क्या है? रे है, इसको के गिर्द भी दायरा नहीं लगाना। ये है, जी हाँ, इसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। ये जे है और ये अजे है, ये अजे है और ये अजे है, ठीक है? तो ये कौन सा हर्फ है बच्चों? जे। हमने तो अजे को ढूंढना था और अजे हमें मिल गई, हमने इसके गिर्द दायरा लगा लिया। ये भी हमारे पास अजे है और ये भी हमारे पास अजे है, हमने इस जैसी ढूंढ ली है, ठीक है? बच्चों अब हमारा अगला सबक है हरूफ को उनकी तस्वीरों से मिलाएं, ठीक है? कौन सा सबक है? हरूफ को उनकी तस्वीरों से मिलाएं। ये बच्चों हमारे पास हरूफ हैं, ठीक है? रे रे जे अजे, ये हमारे पास हरूफ हैं। हमने
जो रे से शुरू होती है तस्वीर, जो रे से शुरू होती है तस्वीर, और जो जे से शुरू होती है, और जो अजे से तस्वीर शुरू होती है, हमने उनको इन हरूफ के साथ मिलाना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है रे, तो हमने इस तस्वीर में से देखना है हमारे पास कौन सी तस्वीर है जिसको हमने मिलाना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये रेडियो है, हमने रे को रेडियो के साथ मिलाना है। रे से रेडियो। अब हमारे पास अगला हर्फ है रे, तो हमने इन तस्वीरों में से देखना है हमारे पास कौन सी तस्वीर है जो रे से शुरू होती है। जी हाँ, आड़ू, बिल्कुल ठीक, हमने रे को आड़ू के साथ मिलाना है। ठीक है, ये हमारे पास रे और ये हमारे पास तस्वीर जिसकी बनी हुई है वो है आड़ू, तो रे से आड़ू, रे से आड़ू, रे से आड़ू। ठीक है, अब हमारे पास अगला हर्फ है जे। ठीक है, अब हमने इन तस्वीरों में से ढूंढना है कि हमारे पास कौन सी तस्वीर है जो जे से शुरू होती है। बिल्कुल ठीक, जबान। ये देखें बच्चों, आपने पीछे जे से जबान पढ़ लिया है, ये भी हमारे पास ये है जे और हर्फ जे है, और ये हमारे पास जबान है, इसके साथ हमने मिलाना है। ठीक है, जे से जबान, जे से जबान, जे से जबान। अब हमारे पास अगला हर्फ है अजे, तो हमारे पास एक ही तस्वीर बच गई है। जी हाँ, जाला बारीकी। ठीक है, ये हमारे पास जाला बारीकी है, ये तस्वीर जो बनी हुई है। ठीक है, ये छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं बारिश में, और ये इनके ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं, उनको हम जालाबारी कहते हैं। ठीक है, हमने अजे को जालाबारी के साथ मिला लिया। ठीक है, अजे से जालाबारी, अजे से जालाबारी, अजे से जालाबारी। तो बच्चों, इस तरह आपका पेज नंबर 47 मुकम्मल हो गया है। वालदेन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को अपनी निगरानी में होमवर्क करवाया करें, बच्चों से सुना भी करें बड़े प्यार से, और बच्चों को शाबाश भी दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।